आपके दिमाग की उस लेफ्ट यानी बाएं साइड की ऊर्जा को बढ़ाती है, और आपकी जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है वो आपके दिमाग की लॉजिकल कैपेबिलिटी यानी तार्किक क्षमता को कंट्रोल करती है। मतलब अगर आपकी मैथ्स और साइंस जैसी सब्जेक्ट्स कमजोर है तब आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, इससे आपकी लॉजिकल एबिलिटी बढ़ेगी। तब आपको ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। लॉजिक बढ़ने से आप बहुत तेज हो जाओगे, मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी। आपको झट से समझ आ जाएगा कि आपको ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए। जब आप अपने दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लेते हो तब आपकी दिमाग की दाएं साइड की ऊर्जा बढ़ती है, और आपकी जो राइट हेमिस्फीयर यानी दिमाग का दायां हिस्सा है, जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तब आपकी अंदर की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। जब रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी तब आपकी जो स्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपकी आत्मविश्वास और आत्मशक्ति बढ़ेगी, और आपको किसी से पब्लिक में बात करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर की रचनात्मक शक्ति आपके अंदर की टैलेंट को जागृत करती है, और तब आप अपने अंदर की टैलेंट यानी प्रतिभा को पहचान लोगे। जो आप ऑक्सीजन लेते हो, जो आप सांस लेते हो, वो आपके दिमाग के अंदर की सेल्स न्यूरॉन्स जिसकी शक्ति तनाव के चलते कम हो जाती है वो वापस से जगने लगती है, और उसकी ऊर्जा हजार गुना बढ़ जाती है। और इस टेक्निक की खास बात ये है कि आप जब नाक की एक साइड से सांस लेते हो तब वो आपके दिमाग के एक हिस्से को एक स्पेशल तरीके से प्रभाव डालती है। एक स्पेशल तरीके से आपके दिमाग के अंदर के सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुंचती है, और उसी के चलते आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वो और भी मजबूत हो जाती है। दिमाग को अगर आपको तेज करना है और अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग अपनी पूरी ताकत के साथ काम करे तब आपको एक अच्छी नींद की जरूरत है। अच्छी नींद के बिना आपकी जो दिमाग की इफिशियंसी है वो कम हो जाती है। मतलब आपकी ब्रेन एक सेकंड में कितनी चीजों को समझ सकती है वो जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उसके बीच की जो कनेक्शन है वो कमजोर हो जाती है। आप ये कैसे पता करोगे कि आप जो डेली रात को सोते हो उस समय की नींद अच्छी थी या खराब? इसका आंसर यानी इसका उत्तर ये है कि अगर आप जब सुबह उठते हो उस समय आप पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करते हो तब आप एक अच्छी नींद में सोए थे। पर मैं ये श्योरली कहता हूँ कि आप लोगों में से कुछ ही लोग सुबह सुबह ऐसा महसूस करते होंगे। ज्यादातर लोग तो सुबह उठने के बाद भी हल्का सा थका हुआ महसूस करते हैं। नींद हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों में से एक है, और आपकी दिमाग पूरे दिन किस ऊर्जा के साथ काम करती है वो आपके नींद पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आप ये तो कहते हो कि आपको मानसिक स्तर पर थकान महसूस हो रही है, पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर आपकी दिमाग रात के वक्त ठीक से रिपेयर नहीं होगी, मतलब अच्छी नींद नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग पूरी फुल पावर में कैसे काम कर सकता है? जब आप रात में सो रहे होते हो तब आपकी दिमाग की हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है। मतलब दिन भर के काम करने के बाद आप जो थक जाते हो वो रिचार्ज होती है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह। जब आप सोने जाते हो तब आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी, अगर आप अपने शरीर पे फोकस करोगे तब। मतलब जब आप सोने जाते हो तब आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स यानी विचार चलती रहती है, तब आप उन थॉट्स यानी विचारों पे से फोकस हटा के अपने शरीर पे फोकस करो। मतलब ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, आप जो सोचते हो वो आपकी ऊर्जा खींच लेती है, तो आपको उसी अटेंशन को अपने शरीर पे लगाना होगा। अपने शरीर के अलग अलग हिस्से को महसूस करते रहो, फील करो, अपने हाथों को फील करो, अपने पैरों को फील करो, और अगर वापस दिमाग थॉट्स की तरफ भागने लगी तब उसी टाइम अपने ध्यान को वापस अपने शरीर पे लगा दो। इससे आपकी शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाएगी, और आपकी दिमाग आपके शरीर से कनेक्टेड है यानी जुड़ी हुई है, इसलिए जब आप शरीर को रिलैक्स करोगे तब आपकी दिमाग भी रिलैक्स्ड हो जाएगी और आप जल्दी सो जाओगे। आपको सोने जाने के 15 से 20 मिनट बाद नींद आती थी, अब बस 5 से 10 मिनट बाद नींद आ जाएगी। और अगर आप इस फोकस वाली ट्रिक से सोओगे तब आपकी नींद काफी गहरी होगी, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा बिना मतलब वाली थॉट्स पर खर्च नहीं रहे हो। और अगर आपको गहरी नींद आएगी तब आपकी दिमाग की पावर बहुत बढ़ जाएगी। दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो दिमाग तेज हो जाएगी। एक वीडियो में मैंने आपको सोने के पहले उन चीजों के बारे में सोचने को कहा था जो आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो। उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना, मतलब जो आप चाहते हो उसे सोचने के बाद जब आप फाइनली ये तय कर लोगे कि हाँ अब मुझे सोना है, तब उस समय
जब बेमतलब के रैंडम थॉट्स आपके दिमाग में आती रहती है, उस समय आप अपने शरीर पे ध्यान लगाने वाली ट्रिक को प्रैक्टिस करना। डैफ्न बवेलियर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के एक रिसर्चर है, और रिचर्ड डेविडसन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के एक रिसर्चर हैं, उन दोनों ने कई महीनों के रिसर्च के बाद एक आर्टिकल को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गेम्स आपकी मेंटल फंक्शनिंग यानी आपके दिमाग की सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी यानी किसी चीज को जल्दी से सीखने की क्षमता को डेवलप करता है, और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी गेम्स खेलने से आपकी भावनात्मक बुद्धि बढ़ती है। आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप गेम्स खेलते हो तब आप एकदम खो जाते हो, मतलब आपके दिमाग की कॉन्सेंट्रेशन वाली पार्ट उस समय स्टिम्युलेट होती है, यानी उसमें गतिविधि होने लगती है, और उसी के चलते आपकी बाकी चीजों में भी कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ती है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमें ज्यादा वीडियो गेम्स नहीं खेलना चाहिए, या फिर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि गेम्स, बीट एंड्रॉइड गेम्स और कंप्यूटर गेम्स आपके लिए खराब होती है। पर मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि गेम्स खराब है, क्योंकि एक्सेसिव प्लेइंग खराब है, बहुत ज्यादा ओवर गेम्स खेलना खराब है। ऐसे देखा जाए तो दुनिया की सारी चीजें खराब है, ज्यादा पढ़ना भी खराब है, ज्यादा खेलना भी खराब है, पर अगर लिमिट में खेलो तो वो आपको इतना फायदा देगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके दिमाग की पावर को बढ़ाती है। आप गेम्स तो खेलते ही होंगे, इससे आपकी दिमाग तो डेली बेसिस पे बढ़ती ही होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आपकी दिमाग जिस स्टेज पर है उससे आप और ऊपर उठ जाओ और आप सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक बन जाओ। इसलिए जो सांस वाली टेक्निक है और सोने के पहले की गहरी नींद वाली टेक्निक, उसे जरूर प्रैक्टिस करना। इससे आपकी दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना दोस्त, और मुझसे कुछ कहना है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस घंटे को ऑन कर देना ताकि नई वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं।